अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। मैं अमीर हमजा और आज हम शुरू करेंगे लेट्स नो इस्लाम सीरीज, जिसके पहले एपिसोड का टॉपिक है तकवा। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। तकवा ये वर्ड ड्राइव हुआ है वका वर्ड से, वाव कौफिया, जिसका मतलब होता है हिफाजत करना। मगर ये तो इसका सिर्फ लिटररी मीनिंग यानी लघवी माना हुआ। तकवे का मीनिंग इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में यानी कुरान और हदीस के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि अल्लाह ताला के हराम करदा कामों से और उसकी नाफरमानी से अपनी हिफाजत की जाए। इब्ने रजब रहिमहुल्लाह का इस ताल्लुक से एक बहुत ही प्यारा कॉल मिलता है। आप तकवे का मतलब बयान करते हुए ये फरमाते हैं कि असलियत में तो तकवा ये है कि बंदा एक कवच बना ले, एक शील्ड बना ले। वो शील्ड किस चीज की बनी हो? वो शील्ड अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की बनी हो, जिसके जरिया वो अल्लाह ताला के गजब और अल्लाह ताला के आजाब से अपने आप की हिफाजत कर ले। और तकवे को और डीप में समझने के लिए एक मिसाल आप लोगों के सामने लाया हूं। उमर बिन खत्ताब और उबई बिन काब रजी अल्लाह अनुमा, ये दोनों साथ में थे और उमर रजी अल्लाह ताला अनु इनसे पूछते हैं कि तकवा क्या है। तो उबई बिन काब पूछते हैं उनसे कि अच्छा, ये पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारा गुजर कभी किसी कांटेदार रस्ते से हुआ? तो उमर रजी अल्लाह ताला अनु कहते हाँ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तो तुम कैसे गुजरते हो वहां से? तो उमर रजी अल्लाह ताला अनु कहते कि मैं अपने अपने गारमेंट्स को फोल्ड कर, यानी अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लेता हूँ और ऊपर उठा लेता हूँ और स्ट्रगल करता हूँ, यानी सावधानी के साथ गुजरता हूँ ताकि वो कांटे मुझे हार्म ना करे, मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अनु कहते कि यही तो तकवा है। मतलब ये कि हम जिस तरह हर वो चीज जो हमें हार्म करती है, जो हार्मफुल चीजें, हम जिस तरह उनसे अपने आप की हिफाजत करते, इसी तरह हमें गुनाहों से और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप की हिफाजत करना है, ये तकवा है। इब्ने कय्यूम रहिमहुल्लाह आप कहते हैं कि तकवे के तीन लेवल होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला ये कि एक बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के हराम करदा कामों से यानी प्रोहिबिशन से अपने आप की हिफाजत कर ले। दूसरा लेवल ये कि एक बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के यानी शरीयत इस्लामिया के मकरूह कामों से, यानी जो काम शरीयत ने हराम तो नहीं किए लेकिन नापसंदीदा है, इन कामों से अपने आप की हिफाजत कर ले। और तीसरा लेवल ये कि एक बंदा शरीयत के लघु काम मतलब द थिंग्स विच आर नॉट अ पीस ऑफ योर बिजनेस, मतलब हर वो काम जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे करते हो, ये लघु में आता है। तो तीसरा स्टेज ये, तीसरा लेवल ये कि बंदा लघु कामों से अपने आप की हिफाजत कर ले। ये तीन लेवल इमाम इब्ने कय्यूम रहिमहुल्लाह बताते हैं तकवे के बारे में। और इस वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि द तकवा इज द बेस्ट प्रोविजन अ बिलीवर कैन हैव टू अटेन द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। और अगर हम सच में अपने जिंदगी का असल मकसद या अपनी जिंदगी का फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत को मानते हैं, जन्नत समझते हैं, तो हमारा सबसे बेहतरीन प्रोविजन, सबसे बेहतरीन साथी उस जन्नत तक पहुंचने का तकवा है, जिसके बगैर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना ये हमारे लिए नामुमकिन है। तो हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो तकवा इख्तियार करे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तकवा इख्तियार करने की और फिर आप सबको तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं वही दुआ के साथ खत्म करूंगा जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना, आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।